Subscribe now to receive new updates every day. सूजा था पैर, हो रही थी उल्टियां, फिर भी नेहरा ने वर्ल्ड कप में किया था ये कमाल। वर्तमान टीम इंडिया के सबसे सीनियर बल्लर आशीष नेहरा ने अपने रिटायरमेंट की तारीख का ऐलान कर दिया है। वे 1 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ दिल्ली में अपने करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। नेहरा ने 18 साल पहले टीम के लिए डेब्यू किया था। अपने करियर के दौरान नेहरा ने 2 वर्ल्ड कप भी खेले। आशीष नेहरा ने भारत की ओर से 2 वर्ल्ड कप 2003 और 2011 खेले। इनमें से 2003 में साउथ अफ्रीका में हुए वर्ल्ड कप के एक मैच में उन्होंने अपने वन डे करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, जो कि इस टूर्नामेंट में किसी भी इंडियन की बेस्ट परफॉर्मेंस भी है। इंग्लैंड के खिलाफ डरबन में हुए उस मैच में उन्होंने 10 ओवरों में 23 रन देकर 6 विकेट झटके थे। इस दौरान उन्होंने 2 ओवर मेडन भी डाले थे। अपनी इस धांसू परफॉर्मेंस के दौरान नेहरा ने इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन समेत माइकल वॉन, एलेक्स स्टुअर्ट, पॉल कॉलिंगवुड, क्रेग वाइट और रोनी ईरानी को आउट किया था। इस मैच में भारत ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 250 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 45.3 ओवरों में 168 रन पर आउट हो गई थी। नेहरा की जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद टीम इंडिया ने ये मैच 82 रन से जीत लिया था। सूजे हुए पैर और उल्टी करते हुए बनाया था रिकॉर्ड। अपने करियर में नेहरा चोटों से काफी परेशान रहे। साल 2003 वर्ल्ड कप में 26 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ मैच से 2 दिन पहले नेहरा चोटिल हो गए थे। उनके टखने में इतनी ज्यादा सूजन आ गई थी कि वे जूता भी नहीं पहन पा रहे थे। अगले 2 दिन तक वे बर्फ की थैली लेकर पैर को सेंकते रहे। यहां तक कि टीम इंडिया जब इंडियन हाई कमीशन पहुंची थी तो वहां पर भी नेहरा बर्फ की थैली लेकर गए थे। मैच से 1 दिन पहले भी उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि वे पिच पर उल्टियां कर रहे थे, लेकिन फिर भी वे हर हाल में मैच खेलना चाहते थे। टीम मैनेजमेंट चाहता था कि नेहरा का फिटनेस टेस्ट हो ताकि इस चोट की वजह से नेहरा को कोई बड़ा नुकसान न हो जाए, लेकिन नेहरा इस बात के लिए भी तैयार नहीं हुए। मैच वाले दिन भी नेहरा की हालत में सुधार नहीं हुआ। उनका पैर इतना सूजा हुआ था कि वे मोजे नहीं पहन सके और बिना सॉक्स पहने ही उन्होंने जैसे तैसे शूज पहने। इसके बाद नेहरा ने जो किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। उस मैच में नेहरा ने जबरदस्त परफॉर्म करते हुए 6 विकेट झटके थे। ये वर्ल्ड कप हिस्ट्री में किसी भी इंडियन बॉलर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। उस वक्त टीम के कप्तान रहे सौरव गांगुली ने कहा था, मैंने अपनी लाइफ में वनडे में जो सबसे बेहतर बॉलिंग देखी है, नेहरा की ये परफॉर्मेंस उन्हीं में से एक है। 1999 में किया था डेब्यू। आशीष नेहरा ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू फरवरी 1999 में मो अजहरुद्दीन की कप्तानी में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच को खेलते हुए किया था। अपने करियर में उन्होंने 17 टेस्ट, 120 वनडे और 26 टीडट मैच खेले हैं। उनके नाम पर टेस्ट में 44, वनडे में 157 और टीडट में 34 विकेट दर्ज हैं। पैर में लगी थी चोट, 2 साल तक प्रभावित रहा करियर। 2005 में आशीष नेहरा को एड़ी में गंभीर चोट लगी, इसकी वजह से वो टीम से बाहर हो गए। नेहरा ने उन सालों को अपनी लाइफ के सबसे खराब समय में गिना। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मेरी एड़ी में चोट थी, डॉक्टर्स ने सर्जरी करने के लिए कहा, मैं ये नहीं चाहता था, लेकिन कोई और ऑप्शन भी नहीं था। सर्जरी होने के बाद 6-7 हफ्ते का रिहैबिलिटेशन पीरियड था, ये सबसे मुश्किल हिस्सा था। इस दौरान काफी फिजियोथेरेपी होनी थी। घर और जिम पर मैंने काफी एंकल एक्सरसाइज की, इस वजह से मैं 6 महीने ऑस्ट्रेलिया में रहा, कुछ वक्त जर्मनी में भी रहना पड़ा, वाइफ ने कठिन वक्त में संभाला। नेहरा के अनुसार एड़ी और बैक की चोट का इलाज कराते हुए मैं शारीरिक तौर पर टूट चुका था, लेकिन मानसिक और इमोशनल तौर पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो 2 साल बेहद मुश्किल थे, लेकिन तब रुश्मा मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट थी। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, वो लंदन में रहती थी, मुझे सपोर्ट करने के लिए वो मुझसे लंबी बातें करती थी और हमेशा पॉजिटिव रखती थी। नेहरा और रुश्मा एक दूसरे को साल 2001 से जानते थे। इनकी शादी 2009 में हुई। इस कपल के 2 बच्चे, 1 बेटा और 1 बेटी हैं। Thank for watching. Subscribe now to receive new updates every day. And don't forget to drop a like, leave a comment.